उसी मलबा है, इस छत का है ना हमारे ऊपर गिरता है, किसी बच्चे पे भी गिरा हुआ है, कई बार किसी को चोट भी लग गई, इसलिए हमको स्कूल आने में ना बहुत डर लगता है, तो जितना जल्दी हो सके उसे ठीक करना। हमारे सिस्टम में गिरता है इसलिए हमें बहुत डर लगता है, इसलिए स्कूल ठीक कर। स्कूल की छत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, प्रतिदिन हर कमरे में मलबा गिरता है। विद्यालय में कुल 7 कमरे हैं, 7 कमरों की स्थिति एक जैसी है। छात्र छात्राओं को बैठाने में बहुत समस्या हो रही है कि हम किस जगह पर बैठे। गैलरी और हर कमरे में पानी भी टपकता है और सीमेंट का प्लास्टर बड़े बड़े टुकड़े गिरते हैं। कई बार बच्चों के भी चोट लग चुकी है। अभी पिछले दिनों हमारे पोषाहार बनाने वाली जो वृद्ध महिला है उसके भी हाथ के चोट आई और फिर उसका उपचार हमने करवाया। इस बारे में पिछले 2 साल से हम लोग SMC की बैठक लेकर उच्च अधिकारियों को लगातार इस मांग कर रहे हैं कि विद्यालय भवन की छत की मरम्मत की जाए, लेकिन अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी पिछले सत्र में हमारे तत्कालीन CBO साहब अजय जी माथुर और वर्तमान CBO साहब सुरेश जी प्रजापत स्कूल में आकर मौका निरीक्षण करके गए। JN साहब की रिपोर्ट, JN साहब भी आए और उन्होंने भी अपनी मौका देखकर रिपोर्ट लिखी, अभिशंसा की उन्होंने, लेकिन अभी तक कोई इस संबंध में कार्रवाई नहीं हो रही है। भविष्य में ऐसी स्थिति को देखते हुए गंभीर दुर्घटना होने का पूर्ण अंदेशा है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.